Hey guys, this is Junaid Khan and welcome back to my channel. तो आज हम लोग हमारे दोस्त के साथ रात्रि बाजार में निकले हैं. रात्रि बाजार तो नहीं कहेंगे बट भरूच में एक जगह पे पिज्जा खाने जा रहे हैं. बहुत ही अच्छी और नई जगह है, लोकेशन भी नया है. तो मैंने सोचा कि रोड का भी थोड़ा कवरेज ले लेते हैं जो घर से हम निकल रहे हैं. तो भरूच का रात्रि दर्शन आप लोगों को मैं कराना चाहता हूँ. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. तो अभी हम लोग हैं मोहम्मदपुरा ब्रिज पे. थोड़ा हल्का ट्रैफिक है क्योंकि अभी 8:30 बज चुके हैं और ना शाम के टाइम पे तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है कि भाई आप यहाँ पे कम से कम आधा घंटा आपको हो जाएगा, चक्का जाम रहता है. और ये यहाँ पे पुरानी शॉप्स काफी देखने मिलेगी, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा मदीना होटल, तो बहुत ही पुरानी, कम से कम 40-50 साल होंगे मोइन खान. ये देखिए मदीना होटल, ये 30-40 साल तो इसको हो गया. यहाँ पे चाय बहुत ही मशहूर है. तो अगर आप भरूच में मोहम्मदपुरा में आते हैं तो आपको मदीना होटल की चाय जरूर पीनी है, पीनी ही पीनी है. और ये थोड़ा दूसरा एक छोटा सा ब्रिज है. यहाँ पे काफी ट्रैफिक रहता है यहाँ पे क्योंकि मेन रोड है, बाईपास से 5 बत्ती का जो है ये मेन सड़क है. तो यहाँ पे अभी यहाँ पे ब्रिज बनने वाला है, तो 2 साल ये रोड बंद रहेगा. तो मैंने सोचा कि उसके पहले मैं आप लोगों को ये रोड की रौनक दिखा देता हूँ. और बहुत ही यहाँ पे काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी चल रहा है. तो ये ब्रिज, ये रोड 2 साल तक बंद रहेगा और यहाँ से ब्रिज शुरू होगा और बनेगा जेवियर स्कूल तक. सही बोल रहा हूँ मैं मोइन? ओके. ये देखिए अभी भी इतनी ट्रैफिक है यहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ आपको. 5 से 7 तो पीक आवर रहता है, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है तब. और अभी हम जेवियर स्कूल के नज़दीक है, भरूच की सेंट जेवियर स्कूल. ये बॉम्बे चौपाटी वाला भी फेमस है, तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो चौपाटी की कुल्फी भी आप खा सकते हो. आपको लगेगा कि ये क्वालिटी यहाँ पे होगी लेकिन अच्छी मिलती है यहाँ पे. मैंने भी एक बार ट्राई किया है और अच्छी कुल्फी थी. बहुत ही भारी ट्रैफिक है यहाँ पे. ये देखिए सेंट जेवियर हाई स्कूल भरूच. तो यहां तक का ब्रिज बनने वाला है, राइट? तो 2 साल ये रोड बंद रहेगा. तो काफी अच्छा नजारा है, अभी भी इतनी हलचल है. दोस्तों एक बात बता दूं, जब मैं 8 या 10 साल पहले जब यहाँ पे आया था तो इतना ट्रैफिक नहीं होता था ये रोड पे मोइन, 10-12 साल पहले. अभी इतना ट्रैफिक है, इतना डेवलपमेंट. ये देखिए ये सारी शॉप्स यहाँ पे डेवलप हो चुकी है, अलग अलग मोबाइल की, कपड़ों की. और अब हम धीमे धीमे BSNL एक्सचेंज के पास आ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोइन. BSNL एक्सचेंज के पास हम आ गए हैं. और ये साइकिल की दुकान, फिर मोबाइल की दुकान. और ये जो बेकरी है ये बहुत ही अच्छी बेकरी है, न्यू क्वालिटी बेकरी. इसका ब्रांच अंकलेश्वर में भी है, भरूच में भी 3 ब्रांच है. यहाँ पे आप केक ऑर्डर कर सकते हो, अच्छा क्वालिटी का मिलता है. मैंने खुद ने काफी बार ट्राई किया है, अच्छा केक मिलता है यहाँ पे. एज यूजुअल अपना सदियों से 25-30 साल से जो बाटा का शोरूम डटा है, बाटा वहां पे. और अभी हम 5 बत्ती की तरफ आ गए हैं. ये 5 बत्ती सर्कल, जिसको 5 फानूस सर्कल कहा जाता है, ऐसे तो फानूस है यहाँ पे. और वो फानूस अभी 5 बत्ती सर्कल बन गया है. ये नील कमल का भाजी पाव. और यहाँ पे नया अभी एक खुला है परमार. परमार पे आपको अलग अलग स्केचर्स, वुडलैंड, अलग अलग ब्रांडेड शूज आपको मिलेंगे. ये भी चेन है एक शूज का, कैटेगरी का, शॉप कैटेगरी का, अहमदाबाद, बड़ोदा, सूरत. और ये हमारी जूनी कमाल बेकरी एंड राजस्थान स्वीट.
यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी थिएटर हुआ करती थी मोहिन, याद है कौन सा था? रिलीफ थिएटर था। रिलीफ थिएटर की जगह पे अभी मॉल बन रहा है, आई थिंक इट इज मोर देन 75 इयर्स ओल्ड, लेकिन उसके बाद वो थिएटर बंद हो गया और हमारे जिला पंचायत भवन भरूच आ गया है। ये अपना SBI और ये 5:32 हम स्टेशन की ओर जा रहे हैं। ये हमारा स्केचर्स और मेट्रो का शोरूम आ गया। यहाँ पे अपना अपना जेट ब्लू एंड सैमसंग, पीटर इंग्लैंड, दुबई मोबाइल बहुत ही फेमस है दोस्तों। कोई भी मोबाइल का कवर से लेके USB से लेके कुछ भी आपको मोबाइल रिलेटेड एसेसरीज सबसे बेस्ट रहेगी। यहाँ पे स्मार्ट बाजार हो गया, ये अपना जो पहले बिग बाजार था। और ये सबसे पुराना और फेमस फ्रेंड्स मोबाइल, और ये मयूरी शूज। काफी रौनक मिलेगी आपको ये रोड पे, जो पहले 10-12 साल पहले बहुत ही कम ट्रैफिक था, बहुत ही कम शॉप्स थी यहाँ पे। डेवलपमेंट हुआ है देर से ही सही। और ये जिंजर, ये नया होटल एंड रेस्टोरेंट खुल गया है, वो भी काफी अच्छा है, आप लोग वहाँ का फूड ट्राई कर सकते हो। इट इज अ क्वालिटी रेस्टोरेंट जिंजर। अभी हम स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए, ये हमारा वुडलैंड का शोरूम आ गया। ये गुजराती थाली सरोवर, ये बहुत ही फेमस है, मोर देन 20 इयर्स है यहाँ पे होटल सरोवर। और जी हाँ दोस्तों, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था पिछले 5 या 6 साल से, जो बन रहा है सिटी सेंटर, जहाँ पे पुराना बस स्टेशन बस अड्डा था GSRTC, वो सिटी सेंटर में अब हम आ गए हैं। बिजनेस हब, अलग अलग शॉप्स, बिजनेस सेंटर, फूड आउटलेट एंड ऑफ कोर्स द बस स्टेशन विथ पार्किंग फैसिलिटी। आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो, बैठ सकते हो, काफी सारे। और अब हम पहुंच गए हैं, बाहर से आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सिटी सेंटर। ये 360 व्यू। तो चलिए फिर एंटर होते हैं। हे गाइस, तो आज हम लोग आए हैं मिस्टर बीन्स पिज्जा में खाने के लिए। बहुत ही अच्छी शाम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अभी सिटी सेंटर नया बन रहा है, इसलिए आसपास की दुकानें शॉप्स खाली है, लेकिन वो जल्द ही भर जाएगी। ये आप देख सकते हो सेकंड फ्लोर पे है, अभी स्टिल थोड़ा काम बाकी है, अलग अलग शॉप्स का इंटीरियर बाकी है। तो फिर चलिए दाखिल होते हैं मिस्टर बीन्स पिज्ज़ा में। सेल्फ सर्विस है, आउटलेट देखने में तो अच्छा है, थोड़ा सा छोटा है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सैलेड्स और कंप्लीट सेल्फ सर्विस है यहाँ पे। कहाँ से शुरू करेंगे भाई? प्लेट्स किधर है भाई? प्लेट्स ओ ऊपर है। तो दोस्तों ये है मेनू कार्ड, आप देख सकते हो 259 फॉर लंच अनलिमिटेड एंड 289 फॉर डिनर, मोर और लेस हर एक जगह पे यही प्राइस रहता है। बच्चों के लिए 199 एंड लंच है 219 फॉर द किड्स। तो हर जगह पे मोस्ट ऑफ भरूच में यही प्राइस अभी चल रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सैलड्स, मोर देन 20 टाइप्स ऑफ सैलड्स हैं यहाँ पे, फ्रेंच फ्राइज, चाइनीज। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वॉक अराउंड लेते हुए मैंने म्यूज़िक को थोड़ा ऑफ करके रखा है, क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक था तो कॉपीराइट आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा आउटलेट नहीं है लाइक कंपेयर टू ऑल अदर आउटलेट्स इन भरूच, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। यू कैन कम हियर, अच्छा से यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी रहता है, इंटीरियर भी बहुत ही अच्छा है। तो आपको यहाँ पे आना चाहिए, एक बार तो आपको ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। थोड़ा सा डेकोरेशन भी यहाँ पे अच्छा है, लाइटिंग्स भी अच्छा है और म्यूज़िक यहाँ पे बहुत ही अच्छा बजता है, तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय। हे गाइस, तो हमारा अब डिनर ख़त्म हो गया है, काफ़ी अच्छा था डिनर, मज़ा आया। डिफरेंट आउटलेट है, अगर आप एक ही जगह पे जा जाके थोड़ा बोर हो गए तो आप ये नई जगह पे आ सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मार्गरिटा पिज़्ज़ा में थोड़ा इनको बदलाव लाना चाहिए, वो इतना टेस्टी नहीं था। बाकी मोर और लेस बाकी के सारे पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छे थे, खा सकते हो। अगर आपको कुछ डिफरेंट लोकेशन पे आना है, नई जगह पे आना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। एटमोसफियर बहुत ही अच्छा है, सॉन्ग बहुत ही अच्छे बजते हैं और मज़ा आता है। मंडे के टाइम भी या वीकेंड डेज में भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा क्राउड है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हो, बिलीव मी। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं भरूच रेलवे स्टेशन की ओर, और सामने आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन हिंदुस्तान का तिरंगा। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मैं आपको बता दूं, भरूच हिंदुस्तान का दूसरा शहर है। भारत का झंडा, हमारे भारत का लहराते हुए तिरंगा, जय हिंद। और ये रेलवे स्टेशन का सर्कल कुछ इस तरह से है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।